नमस्कार, मैं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। प्रोफेसर बूटा सिंह के पिता की बरसी पर कन्या विद्यालय को सामान भेंट किया। उन्होंने 50 कुर्सियां, 15 पंखे और 10,000 रुपये पौधों के लिए दिए। माली व सफाई कर्मी को स्वकोष से देंगे हमेशा वेतन। आप देख रहे हैं रानिया पल पल से ओपी वर्मा की रिपोर्ट। रानिया में राजकीय कन्या वरिष्ठ विद्यालय की सुंदरता को चार चार लगाने की बात की जाए तो उसमें सबसे पहले प्रोफेसर बूटा सिंह का नाम सर्वप्रथम आता है। हालांकि प्रोफेसर बूटा सिंह वर्ष 2018 में 28 फरवरी को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, मगर इसके बाद भी वे नियमित रूप से विद्यालय में छात्राओं को अपने अनुभव का अनुसार शिक्षा का पाठ पढ़ाने पहुंच जाते हैं। सोमवार को उन्होंने अपने पिता स्वर्गीय बदन सिंह की बरसी पर राजकीय कन्या विद्यालय रानिया के प्रांगण में मनाई, जिसके उपरांत उन्होंने विद्यालय को 50 कुर्सियां, 10 सीलिंग पंखे और विद्यालय परिसर को हरा भरा बनाए रखने के लिए उन्होंने 10,000 रुपये की लागत से अशोक का के पेड़ लगवाए। पौधारोपण के उपरांत प्राचार्य नरेश शर्मा ने बूटा सिंह को सेवा काल की विस्तारपूर्वक चर्चा की। उन्होंने बताया कि कन्या विद्यालय को अति सुंदर बनाने के लिए प्रोफेसर बूटा सिंह ने दिन रात मेहनत की है, जिसकी बदौलत आज उन्हें रानिया क्षेत्र में हर छात्र उन्हें भली भांति से जानते हैं तथा नतमस्तक होते हैं। प्रोफेसर बूटा सिंह ने विद्यालय में लगाए गए पौधों की देखभाल के लिए एक निजी माली अपने निजी खर्चे पर रखा है। इसके अलावा एक महिला सेवादार जो कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं निजी कोष से उन्होंने रखवाया है। प्रोफेसर बूटा सिंह शिक्षा के क्षेत्र में कन्याओं के लिए घोषणा करते हुए कहा कि विद्यालय में हर वर्ष जो छात्राएं टॉपर रहेगी उन्हें 21,000 रुपये की राशि भेंट के स्वरूप वे देंगे। आप देख रहे हैं पल पल रानिया से यह खास रिपोर्ट। बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा, मैंने जब से मैं आया हूँ तो मुझे इस स्कूल के हिसाब से जो कंडीशन थी स्कूल की तो मैंने देखी, तो लोगों के सहयोग से, गांव वालों के सहयोग से, हमारी ये प्रशासन के सहयोग से इस स्कूल को ऐसा बना दिया कि पूरे हरियाणा में ऐसा स्कूल नहीं है। तो जब से ये स्कूल, मैंने तो इसको मंदिर गुरुद्वारा समझा और उसी प्रकार से मैं इसकी सेवा करता आया हूँ। तो आज भी रिटायरमेंट के बाद मैं कुछ समय निकाल कर, जो मेरे से समय निकलता है वो मैं स्कूल के जो पौधे हैं, जो स्कूल के पार्क वगैरह हैं, पानी है, इसको मैं देखता हूँ। और मेरी इच्छा है कि मैं जब तक जिंदा हूँ इस स्कूल को हरा भरा रखूँ और इसकी ओर ध्यान देता रहूँ। आज मैंने, इससे पहले मैं अपने पिताजी की याद में, मेरे पिताजी भी एक समाज सेवी थे, तो जो कुछ मैं हूँ उनकी बदौलत हूँ। तो आज से पहले मैंने, इससे पहले इस स्कूल को जब मैं रिटायर हुआ तो मैं, मेरे जो मुझे पता था क्या कमी है, मैंने 50 कुर्सियां इस स्कूल को दी पिताजी की याद में। उसके बाद जो बच्चे, मैंने ये समझा कि बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनको यदि कुछ ना कुछ ऐसे वक्त, जैसे 15 अगस्त पर मैंने अनाउंस किया कि 21,000 रुपये जो टॉपर हैं बच्चे जो क्लास में फर्स्ट आएंगे उनको दिया जाएगा। तो उसके बाद ये पंखों कमी थी कुछ, वो पंखे पहले भी लोगों ने लगाए हैं, हमने सभी लोगों ने, तो मैंने 10 पंखे भी स्कूल को दिए अभी। तो उसके बाद ये हमारे स्कूल में कोई फोर्थ क्लास नहीं है, ना पीएन, ना स्वीपर, ना माली, 31 को हमारी स्कूल चला। तो मैंने जब तक वो काम करती रहेगी उसके बाद उसको मैं 2,000 रुपया देता रहूँगा। तो अभी आज ही हमने जो पौधे लगाए हैं, ये अशोका के पौधे लगाए हैं, बहुत अच्छे पौधे होते हैं, पहले भी लगे हुए हैं मेरे हाथ से, तो आज लगाए हैं वो, सारे स्टाफ ने लगाए हैं, तो वो भी करीबन 10,000 के पौधे हैं। और भी कोई ऐसी मुझे लगेगा तो मैं उसको अपने पिताजी की याद में देता रहूंगा, और स्कूल के लिए मैं सदा ही, जब भी मुझे बुलाएंगे और मैं उसी टाइम आऊंगा। धन्यवाद। ये सभी चीज़ें सरदार बूटा सिंह ने की हैं। मैं यहाँ मई 2012 में आया था एज प्रिंसिपल प्रमोशन पे, और जब से लेकर और आज तक देख रहा हूँ उनका योगदान और समर्पण स्कूल की तरफ इतना ज़्यादा है। और पहले जो कार्य है इस स्कूल का, जो हुआ निर्माण जो हुआ है, वो बूटा सिंह के अथक प्रयास उसमें लगे हैं। और मैंने भी यह अनुभव किया कि इनका समर्पण स्कूल की तरफ बहुत ज़्यादा है, और जैसे कि अपने घर को संभालते हैं लोग, वैसे ये स्कूल को, इस विद्यालय को संभाल रहे हैं। क्या-क्या दिया सर उन्होंने, क्या-क्या डोनेट किया? अभी रिटायरमेंट के बाद भी इनका जो विद्यालय से लगाव है वो हमेशा ही अच्छा रहा है, और रिटायरमेंट के बाद भी इस स्कूल से ये
जुड़े रहे हैं और इन्होंने कुछ जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। 50 चेयर्स जो कि अप्रोक्सीमेट 65,000 की हैं और 10 फैंस, सीलिंग फैंस 15,000 के इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है, इन्होंने स्कूल को दिया है, इनके पिताजी की याद में। और इन्होंने घोषणा की है कि 21,000 रुपये जो भी बच्चे स्कूल में जो टॉपर रहेंगे और मेरिट में आएंगे उनको हर साल अपने पिताजी की याद में ये उनको देंगे और इस बार उन्होंने दे दिए। और अभी अभी जो 10,000 रुपए के प्लांट्स अशोका के लगाए हैं आज ही, और एक हमारे क्लास 4 की बहुत ज़्यादा कमी है और एक वाटर कैरियर श्रीमती शकुंतला अभी रिटायर हुई हैं 31 अगस्त को, इन्होंने घोषणा की है कि वो आगे भी स्कूल में कार्य करती रहेंगी और मैं अपनी तरफ से 2,000 रुपये महीना उसको भी देता रहूँगा। और अभी जो पौधे लगाए हैं आज उनको एक महीने तक रखवाली करने के लिए एक माली रखा है इन्होंने, जो एक महीने का जो उसको पारिश्रमिक है, जो उसकी लेबर है, वो 6,000 रुपये ये अपने पास से देंगे। हमेशा इनका सहयोग जैसे रहा है स्कूल को बनाने से लेके रिटायरमेंट के बाद तक भी इनका सहयोग रहा है, तो आगे क्या चाहते हैं, आगे ये सहयोग करते रहें? हाँ, मैं तो यही चाहूँगा कि ये स्कूल में सहयोग करते रहें, ताकि क्योंकि स्कूल की बिल्डिंग और जो हरियाली है वो इन्होंने बहुत मेहनत से मेंटेन की है और सारे कार्य ही स्कूल के ये संभालते हैं, और मैं अपने कार्यकाल में इनका